सच दिखाते हैं हम ताकि झूठ के बाजार में सच फीका ना पड़ जाए कहीं। सच दिखाते हैं हम ताकि कुर्सी पर बैठने वालों को जमी की अहमियत याद रहे। सच दिखाते हैं हम क्योंकि हम हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। समस्तीपुर जिले में नियोजित शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर पुतला दहन किया। 17 फरवरी से नियोजित शिक्षक अपनी लंबित मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हुई। सरकार द्वारा पटना में शिक्षकों पर लाठी चार्ज के विरोध में जिले के सभी शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन कर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना है कि सरकार दमनकारी नीति के अंतर्गत सभी शिक्षकों को दबाने की कोशिश कर रही है। हड़ताली शिक्षकों पर कार्रवाई कर उन्हें परेशान किया जा रहा है, मगर हम पीछे हटने वाले नहीं है और अपनी मांगों को लेकर ही रहेंगे। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी हड़ताल को रखे हुए हैं। लोकतंत्र में हड़ताल एक प्लेटफॉर्म है कर्मचारियों को अपने अधिकार मांगने के लिए। ये तानाशाही सरकार लगातार 2015 से लेकर के अभी तक हमारे सातों मांगों को समान काम समान वेतन ईपीएफ और राजकर्मी का दर्जा, इन तमाम चीज़ों के तहत हमारी मांग नहीं मान रही है। जब हम सब साथी पूरे बिहार के अंदर आज हड़ताल पर सूचना दे करके हैं, उस पर दमनकारी कार्रवाई करना, शिक्षकों को गिरफ्तारी करना और तरह तरह के पत्र निकाल कर किधर भौकी देना, और कल हमारे साथियों पर जो लाठीचार्ज करा के दिया गया पटना के अंदर, ये दमनात्मक है। इसके विरोध में आज सुबह बिहार के पूरे सभी जगह जो है तो ये पुतला दहन कार्यक्रम हम लोग भी यहाँ समस्तीपुर पुतला दहन कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? अशोक कुमार साहू, मुख्यमंत्री। समस्तीपुर।